अच्छा सर, थोड़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 टेन्योर मुकम्मल कर रही, लेकिन सिंध के अंदर महंगाई बहुत अरूज पे रही है और आपकी तरफ से जाते जाते नौकरियों का तो ऐलान भी हुआ, आर्डर के भी ऐलान हुए, लेकिन आपके ही इतिहादी तंजीम ने कोर्ट में जाके उन बेरोजगारों की जो उम्मीदें थी वो जला डाली। तो क्या सिंध हुकूमत ने जो वो आर्डर दिए थे, अब उन नौजवानों का क्या होगा और पीपल्स पार्टी का रद्द अमल क्या है? देखें, हमारे साथ सिंध में इत्तेहादी नहीं थे, असेंबली में जरूर थे लेकिन इत्तेहादी नहीं थे। सही है। और अगर उन्होंने कहा, और अक्सर वो रोना रोते हैं कि मुल्क में बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, रोजगार मिलने का आसरा हो, कुछ उम्मीद बंधे और उनकी जाके रोजगार पर लात मारने से उनकी सुबकी हुई है और बेरोजगार उनको याद रखेंगे कि उनका मुखालिफ कौन था रोजगार। रोजगार का मुखालिफ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमारे यहां बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बहुत से गुर्बत के लकीर से नीचे रहने वाले लोग हैं। रोजगार मिलता है तो कुछ न कुछ उनको आसरा होता है जिंदगी बेहतर करने का। जो भी रोजगार का मुखालिफ है वो समझो इंसान का मुखालिफ है, इंसान का दुश्मन है। ये उनकी बुरी बात है। हमारी नियत पे शक मत करो, हम देना चाहते, हमने अनाउंस किए, हमने इंटरव्यूज किए, हमने टेस्ट करवाए, हमने आईबीए से टेस्ट करवाए, हमने खुद नहीं किए, थर्ड पार्टी से हमने इंटरव्यू करवाए, उनको अहल साबित किया, जिस जिसने भी मार्क लेकर वो पास हुए उनको हमने कहा कि ये लायक है नौकरी में आने के, लेकिन उनका रास्ता रोकना ये दुश्मनी है आवाम के साथ। दूसरा क्या कहा था, बाकी रही महंगाई, तो महंगाई तो है। अभी जो केयरटेकर वजीर आजम आए हैं उनका भी यही सेवा होगा कि किसी तरह से महंगाई अगर खत्म कर सके या कम कर सके। हमने बांधी थी उम्मीद उस जो कहता था हरेक को झूठ का पलंदा, उस इमरान खान नियाजी साहब से, कि जिसने 3.5 साल इस मुल्क के गंवाए, भौंचाल पर भौंचाल पैदा करता रहा, कोई उपाय नहीं किया और सारी मुल्क में एक फिजा बन गई कि कभी कोई खुदकुशी कर रहा था तो कभी कोई दुआएं मांगने शुरू किए थे कि इससे अल्लाह करे जान छुटे। 3.5 साल तक हमने भी इंतजार किया, फिर हमने वो जमहूरी रास्ता अख्तियार किया जो कभी पहले अख्तियार नहीं किया गया था। पहले तो कभी कोर्टों से हमें सजा मिलती थी हम चले जाते थे, कभी कोई टेक ओवर कर लेता था तो हम चले जाते थे, लेकिन इस दफा असेंबली के मेंबरान ने खड़े होकर अदम एतमाद के तौर पर वाला वाकया इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। उससे छुटाई जान, लेकिन उसका जो किया धरा था वो जरूर हम सबको भुगतना पड़ा है। इस 15 महीने की पीडीएम की हुकूमत ने अपने तई कोशिश जरूर की है, वो इंटरनेशनल माहौल जो खराब था पाकिस्तान के लिए वो हमारे वजीर खारजा ने बेहतर करने की कोशिश की है। वो बिलावल साहब जो भागता रहा था इसी वजह से कि भाई पाकिस्तान पर बुरी नजर मत डालो, और उसने अपना एक हल्का अहबाब भी बना लिया पाकिस्तान के लिए। वो डील जिसकी वजह से हम बैठे थे इंतजार में, नहीं तो मिल रहा था ताना कि हम जी कहीं डिफॉल्ट में न चले जाएं, हम डिफॉल्ट में न चले जाएं,
वो भी मुकम्मल हुआ। मैं उन सबसे बेहतर इस हुकूमत को इस पे शाबाशी देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम मुल्क में ठहराव पैदा किया। जो भोंचाली सूरताल थी उसको हम कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब गए। आज दिल खोल कर असेंबलियां कहते थे असेंबलियों का टाइम बढ़ जाएगा, एक साल बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं बढ़ाया। अगर बढ़ाते तो वो भोंचाल होता। असेंबलियों का टर्म पूरा करने पर खुद को तहलील होना उन्होंने बेहतर मुनासिब समझा, इसकी वजह से ठहराव आया है माहौल में। और अब सारे इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये जदोजहद महंगाई को कम करने की मुसलसल रहनी चाहिए, ये रहनी चाहिए। या तो महंगाई को कम करो या आमदनी को बढ़ा दो कि महंगाई का मुकाबला करें। आमदनी को बढ़ाने के लिए यहां मुल्क में 70% काश्तकार हैं। जब 70% काश्तकार हो तो 70% फैमिलीज को मानो। हमने उनको अगर अनाज की बेहतर रकम दी तो वो भी तो इंसान है, वो भी तो भूखे मरते हैं, उनके भी तो ख्वाब होते हैं, उनके भी तो बच्चे होते हैं, उनके भी तो बिजली चाहिए, उनके बच्चे भी स्कूल में जाने चाहिए। हमने कम से कम ये जरूर किया कि 70% आबादी को हमने टैकल करने की कोशिश की और काश्तकारों को उनकी अजनास की कीमत में थोड़ा सा बेहतर मुनासिब इजाफा करके उनको दिलजोई की। हमने मजदूरों की, हम जो मजदूर हैं 7 करोड़ इस मुल्क में मजदूर कहलाते हैं, उसकी जो बुनियादी तनख्वाह है हमने उसको भी 35,000 तक किया, जो पहले 25,000 थी। और 25,000 भी इमरान खान को अच्छी नहीं लगती थी, उसने रुकवाई थी। हमने लेबर क्लास के भी ये बेसिक तनख्वाह 35,000 तक करवाई है। अब ये लेबर यानी मजदूर और किसान, ये दोनों तबके अगर मिल जाते हैं तो लगभग 80% तो लोग हो ही जाते हैं। रही बात के ट्रेडर्स हैं, दूसरे हैं। अब उनकी बात मैं इसलिए नहीं कहता कि ट्रेड करने वाले तो कमाते हैं, ठीक है, तो 80% लोगों का तो हमने कुछ न कुछ ख्याल करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो महंगाई भी कंट्रोल करनी चाहिए और आमदनी भी बड़ी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप और हम सबको पता है कि कहीं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाखों फैमिलीज को सपोर्ट करता है, वो भी है अपनी जगह पे, और दूसरी चीजें भी हम कर रहे हैं। शुक्रिया।